तो आज की दिनचर्या से हमने यह सीखा कि आपके दुख का कारण स्वयं आप हैं। इसके लिए किसी और को दोषी नहीं ठहराना चाहिए, और यह जानेंगे हम एक छोटी सी कहानी के माध्यम से। आज हम बनाएंगे पोई साग के पकौड़े, इसके पत्ते के। तो कैसे बने हैं पकौड़े? बहुत अच्छा बना। गुड मॉर्निंग सबको, राधे राधे। तो आज है मैच के बाद वाला दिन और सब उदास हैं क्योंकि हम वर्ल्ड कप हार चुके हैं। चंदन जी जब कर रहे हैं और काफी उदास दिख रहे हैं, रात में भी काफी उदास थे। इन्होंने स्टार्टिंग से मैच देखा था और उसके बाद काफी उदास हो गए थे। और ये है हमारे शहर की खूबसूरत सुबह, चारों तरफ सन्नाटा फैला हुआ है। ये मेथी का साग है। वो रखा हुआ था ना कुछ दिन हो गया, इसलिए ऐसे सूख गया। तो जो अच्छे अच्छे हैं उसे निकाल के। ठंड में तो बहुत मिलता है ना मेथी। हाँ, और हम लोग खाते भी बहुत है मेथी, और सस्ता भी मिलता है। हाँ। 10 रुपए का एक मुट्ठा ना। क्या कर रही हो तुम? आज हम बनाएंगे पोई साग के पकौड़े, इसके पत्ते के। तो आज इसका पकौड़ा बनाओगी? हाँ, तुम तो आज इसका पकौड़ा बनाएंगे। ये देख रहे पत्ते, बड़ा सुंदर हो गया। और भी सुंदर था, लेकिन अभी इन पत्तों में इस तरह से दाग आने लगे, यूज नहीं हो रहा इसलिए। और इसमें ये फल फूल सब निकल रहा है। मुझे लगता है काफी है उतना पकौड़ा। और ये बन रहा है हमारा मेथी का पराठा। तो अभी मैं जा रही हूँ पोई साग का पकौड़ा बनाने के लिए। तो उसके लिए मैंने ये बेसन लिया है, उसमें डालूंगी स्वाद अनुसार नमक, थोड़ी सी हल्दी, और इसमें मैं मसाले का यूज नहीं कर रही हूँ। इसमें मैं डालूंगी सिजवांस, 1 चम्मच सिजवांस की चटनी, और इसे अब हम पानी डाल के घोलेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसे गाढ़ा ही घोल बनाएंगे, तभी तो अच्छे से उसमें लटपट करके डालेंगे। ज़्यादा गीला होने से तो नहीं बन पाएगा। अच्छे से घुल जाएगा, एक भी लम्स नहीं रहेगा। तो ये अच्छे से देखिए घुल चुका है, इसमें लम्स नहीं है और इसमें बबल्स भी उठ रहे हैं, मतलब ये कंप्लीट हो चुका है। तो अब होगी इसके तलने की तैयारी। हम डालेंगे रिफाइन, ये सब जो पत्ते हैं छोटे छोटे पत्ते, इनको मैं इसमें डाल दूंगी। और हमारा तेल जब गर्म हो जाएगा तो मैं इसे लपेट लपेट के छानूंगी बस। तो ये हमारा पकौड़ा हो चुका है। ये पकौड़े बनके तैयार हैं। पोई साग का पकौड़ा है ना, मस्त कुरकुरे। तो इस पे पेरी पेरी डालिए और खाइए। तो कैसे बने हैं पकौड़े? बहुत अच्छा बना। हाँ, आपकी आवाज से ही पता चल रहा है कि बहुत कुरकुरे हैं। बहुत क्रिस्पी है, लग ही नहीं रहा कि पोई साग का पत्ता का पकौड़ा बना हुआ है। मजेदार ना? बहुत मजेदार है। सॉल्व तो तुम्हारा बन गया, अब क्या बना रही हो? ये हम मोजा बनाने सीख रहे हैं। मोजा? हाँ, छोटा बच्चा का मोजा। छोटा बच्चा का मोजा बना रही हो? देखते हैं बनता है कि नहीं, कभी बनाया नहीं है मैंने, बस अभी बस ट्राई कर रही हूँ। उसी उनसे? हाँ, उसी उनसे। फिर ठाकुर जी के लिए टोपी बनाऊंगी। कुछ काम किया, उसके बाद दोपहर से वो एडिटिंग में लगे हुए हैं। शाम में हमारा प्लान है थोड़ा सा मार्केट जाने का, कुछ कुछ सामान है जो हमें लेके आना है,
तो देखती हूँ कि वो कितना सक्सेसफुल हो पाता है, क्योंकि चंदन जी अभी अपने काम में लगे हुए हैं। उनका काम कंप्लीट होने के बाद अगर उनका मूड ठीक रहा तो हम लोग थोड़ा बाहर जाएंगे, और अगर ठीक नहीं रहा तो हम बाहर नहीं जाएंगे, हम सिर्फ इवनिंग वॉक के लिए जाएंगे शाम में 5:30-6 बजे के आसपास। आपको भी अगर तुलसी माला परचेस करनी है तो मेरा चैनल का लिंक नीचे दिया हुआ है, आप उस पर जाके देख सकते हैं कि मैं किस तरह के मालाएं सेल करती हूँ। और आप वहाँ से मुझे व्हाट्सअप करके, व्हाट्सअप नंबर वहाँ मेरा दिया हुआ है, तो व्हाट्सअप करके मुझसे तुलसी माला परचेस कर सकते हैं। तुलसी माला के साथ साथ आपको जाप माला भी मिलेगा, गोपी तिलक मिलेगा और तिलक स्टैंड भी मिलेगा। तो ये सारी सामग्रियाँ मैं रखती हूँ और ये सब कुछ आप मेरे पास आता है वृंदावन से। तुलसी की ओरिजिनल माला है वृंदावन की, तो आप वो परचेस कर सकते हैं। तो हम लोग निकल रहे हैं अभी इवनिंग वॉक के लिए, और आज शाम में लाइट चली गई है, काफी देर हो चुका है, लगभग 15-20 मिनट हो चुके हैं लेकिन लाइट नहीं आई है, और हम लोगों को इवनिंग वॉक पे जाना है। तो हम लोग निकल रहे हैं इवनिंग वॉक पे, आधे घंटे वॉक करके वापस आ जाएंगे। हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे। तो आज का काम सारा कंप्लीट हो चुका है, हमने डिनर भी कर लिया, भजन भी कर लिया, शाम को हम इवनिंग वॉक के लिए भी गए थे, तो लगभग लगभग आज का हमने सारा काम कंप्लीट कर लिया है। और चंदन जी अभी भी लगे हुए हैं एडिटिंग पे। तो आज दिन भर जो कुछ भी हमारे साथ हुआ, जो कुछ भी हमने किया, जो पढ़ा, उस सब से हमने आज जो सीखा वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। आज दिन भर जो भी हमने काम किया उससे यही हमें सीखने को मिला कि अपने दुख के लिए कभी किसी दूसरे व्यक्ति को दोषी नहीं ठहराना चाहिए। यह मैं आपको एक छोटी सी कहानी के माध्यम से समझाऊंगी। जैसे आंख ने एक फल को देखा तो उसके मन में लालसा जागी कि वह उस फल को खाएगा, लेकिन आंख तो जा नहीं सकता तो पैर गए, और जब पैर वहां पहुंचा तो पैर तो फल को तोड़ नहीं सकता तो उस फल को हाथ ने तोड़ा। हाथ ने तो तोड़ा लेकिन वह फल खाएगा कौन? मुंह। मुंह ने उसे खा लिया लेकिन वह फल चला गया पेट के अंदर। मतलब जिसने देखा वह गया नहीं, जो गया उसने तोड़ा नहीं, जिसने तोड़ा उसने खाया नहीं, और जिसने खाया उसने अपने पास रखा नहीं। और जब माली ने यह देख लिया तो डंडे पड़े पीठ को। पीठ ने पूछा कि मेरी क्या गलती, मैंने क्या किया था? लेकिन जब डंडे पड़े पीठ पे तब आंसू निकले आंखों से, क्योंकि गलती तो आंखों की ही थी ना, उसी ने सबसे पहले उस फल को देखा था और लालसा जगाई थी। तो कर्म का फल घूम फिर के आपके पास ही आता है, यानी आप अपने दुख का कारण किसी और को मत बताइए, क्योंकि जो कुछ भी आपके साथ हो रहा है आपके कर्मों की वजह से ही हो रहा है। हो सकता है कि आपने इस जन्म में अच्छे कर्म किए हों, कभी कोई गलत काम ना किया हो, कभी किसी का दिल नहीं दुखाया हो, लेकिन कर्म तो जन्म जन्मों से चलता आ रहा है ना, ये पिछले जन्म का कर्म होगा। हम नहीं जानते कि जो हम कर रहे हैं वो अच्छा है या बुरा, जाने अनजाने हमसे ऐसा गलती हो जाता है जिसे हमें लगता है कि यार ये गलत नहीं है सही है, लेकिन ऐसा नहीं है, वो तो कर्म है, वो तो कर्म डिसाइड करता है कि हमने अच्छा किया है या गलत किया है। कर्म से तो भगवान कृष्ण भी नहीं बच पाए थे, फिर हम तो इंसान ही हैं। तो आज की दिनचर्या से हमने यही सीखा है, आप अपने दुख की वजह किसी और को मत ठहराइए, आपके दुख की वजह स्वयं आप ही हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि मेरा ब्लॉग आपको कैसा लगा। फिर मिलूंगी कल एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।